माता की जय। हमारी प्रेरणा और पार्टी के संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले और अभी बीजी बता रहे थे जिनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी को जन-जन के मन में बसे हैं, लेकिन नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में एक के बाद एक विधानसभा चुनाव हम लगातार जीतते चले जा रहे हैं। पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी का हर जगह परचम लहरा रहा है, झंडा फहरा रहा है, कमल खिल रहा है। अपने ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें सेवा ही संगठन जैसे मंत्र में दिए, एक बार आप सब दोनों हाथों पर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का। कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, संघर्ष का संघ हो गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं और हमारे नेतृत्वकर्ता वाले सेनापति भी आज भोपाल आए हैं। आइए हम सब संकल्प लें कि पहले 2023 के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएंगे। बोले बनाएंगे और उसके बाद 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर सांसद लोकसभा चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश की 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसके लिए हम सब परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। हम क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही सुनना चाहते हैं और सुनने हमारी लाडली बहनें भी आई है, हमारी लाडली बहनों का भी स्वागत। कैसी योजना अपनी लाडली बहना योजना? अरे जो चलता चलती है। आइए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार मैं फिर प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से स्वागत करता हूँ और सीधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे पधारे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें।